गाइस, ये मैडम है जो ऑटो चलाते हैं और इनसे भी हम लोग बात करेंगे और इनके बारे में पूछेंगे कि इनको ऑटो चलाने के लिए कितनी तकलीफ हुई है। लोगों ने आसानी से इनको लाइसेंस नहीं दिया और आसानी से इनको आगे बढ़ने नहीं दिया है, बहुत तकलीफ हुई है। तो इनके स्ट्रगल के बारे में थोड़ा सा सुनो और उस पर गौर करो और लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाएं कि ताकि हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट जो लेडीज़ को इजीली परमिशन दे दे, उसको जो काम करना है वो उसके लिए कंफर्टेबल है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए पूरी पूरी जो है उसका साथ दे, सपोर्ट दे। तो नाव आहे सुमित्रा सरतापे, मी राहते बदलापूरमध्ये बॅरेज रोडला शिवविशाला अपार्टमेंटमध्ये। मी आधी पूर्ण असं स्वयंपाक गृहिणीचं काम करायचे, घरोघरी जाऊन स्वयंपाकाचं काम करायचे आणि ते करता करता मला असं आलं की आपण असं किती दिवस काम करायचं, म्हणून मी ठाण्याला एक लेडीज बघितली, पाहिली रिक्षा चालवते म्हणून। मग माझ्याही डोक्यात आलं अरे मी करू शकते, मग मी करू शकते, तर मग मी रिक्षाचं विचारलं दोघा तिघांना आणि मग एक घर तयार झाली आणि त्याच्यानंतर मग मी रिक्षाचं शिकायचं, एक विलास धोत्रे म्हणून आहे त्यांनी मला रिक्षा शिकवलेली आहे, त्यांच्यामुळं मी आज उभी आहे, चार पैसे कमावते आणि आत्ता मी रिक्षा चालवते 4 वर्ष झाले। खूप चांगला, लोकांचा खूप चांगला सपोर्ट आहे, मी 15 लेडीजला गाडी शिकवलेली आहे, आज त्या 15 लेडीज गाडी चालवतात आणि खूप 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 सुंदर प्रतिसाद आहे आता लोकांचा आणि खूप छान आहे। तुमच्यासारखे असे भेटतात, फोटो घेतात आणि पहिला वाघिणी पुरस्कार मिळाला मला दादरला, हां त्याच्यानंतर भरपूर सत्कार झाले आणि आहे आता चांगली आहे। तो ये बहुत गलत बात है, तो उनको सपोर्ट करो और लोगों को बोलो कि आप भी सपोर्ट करो और ये वीडियो को वायरल करो और अपनी गवर्नमेंट को बताओ कि लेडीज़ लोग काम कर सकती है और उनको इजीली ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी हो जाए, वैसा कुछ करो। और बहुत अच्छे से इन्हें अच्छे से ऑटो भी चलाते हैं, हम लोग अभी ऑटो में भी बैठे थे, बहुत अच्छे से ड्राइव किया और ये और लेडीज़ लोग को सिखा रहे, तो बहुत अच्छा होगा, जितना लेडीज़ हमारी काम करेगी उतना अच्छा होगा। आप बाहर देशों में जाके देखो लेडीज़ काम करती है, इंडिया में ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। लेडीज़ लोग को भी वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो जेंट्स को मिलती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, मैडम को भी सपोर्ट करो और ये वीडियो को भी वायरल करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।